तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। क्वेश्चन नंबर अभी तक हम लोग 27 तक कंप्लीट कर चुके। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कराना, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। जैसे क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग करके आए, उसी प्रकार से 28 है। क्या करा, यदि वेक्टर ए वेक्टर बी दिए गए सदिश है तो एक सदिश वेक्टर बी ज्ञात करें। अब की करा, वेक्टर बी ज्ञात करने के लिए तो वेक्टर ए दिया हुआ 0i और यहाँ पे 1 को ले सकते हैं j और 1 को k का, इसको वेक्टर में लिख दिए। वेक्टर c क्या लिख देंगे, i कैप j कैप और k कैप लिख दिए। फिर कराना वेक्टर b ज्ञात कीजिए, तो मान लीजिए लेट कह लेते हैं वेक्टर b को क्या, xi y j और प्लस में z के ए मान ली। जो करा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो ए आपका कंडीशन दिया हुआ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 है, और साथ में ही साथ क्या है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 3 को क्या करता है, संतुष्ट करता है, मतलब वेरीफाई करता है, तब वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है। तो ए ना कंडीशन के अनुसार से चल देंगे, वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी 0, तब वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी बराबर हो जाएगा माइनस में वेक्टर सी। तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड करने के लिए अब हम लोग क्या ना आई जे और के ये ले लेंगे। वेक्टर ए क्या है ना 0, 1, -1, वेक्टर बी एक्स वाई और जे बराबर में माइनस, वेक्टर सी क्या ना आई जे और के ए लिखिए। अब यहाँ पे ना आई कैप गुना कर देंगे जेड और प्लस में वाई और माइनस में जे कैप, तो ए मिल जाएगा यहाँ पर 0। ए तो आपका यहाँ पे वाई ये राइट है, ए 0 से गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस में एक्स अब प्लस में के कैप, ए आ जाएगा 0 और माइनस में एक्स बराबर में माइनस में आई माइनस जे और माइनस में के, इस माइनस को मल्टीप्लिकेशन कर दें। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं जेड प्लस में वाई आई कैप, जेड प्लस में वाई आई कैप ए लिख सकते हैं एक्स जे कैप, और माइनस में लिख सकते हैं एक्स के कैप बराबर में ये हो जाएगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस में के कैप ए लिख सकते। अब आई को आई के साथ हम लोग कर देंगे तो ए मिल जाएगा जेड प्लस में वाई बराबर आई को आई के साथ है क्या हो जाएगा माइनस में 1, और जे को जे के बराबर तो क्या मिल जाएगा माइनस में एक्स बराबर में माइनस में 1, तो एक्स बराबर ये भी तो आ जाएगा वही, यहाँ से एक्स का वैल्यू मिल गया और माइनस माइनस कट गया तो 1, और ए इसको मान लेंगे वाई प्लस में जेड बराबर माइनस 1। समीकरण फर्स्ट। तीसरा दूसरा कंडीशन दिया हुआ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर के, तब वेक्टर ए दिया हुआ 0i और जे कैप माइनस में के कैप, वेक्टर बी दिया हुआ एक्स आई वाई जे और जेड के कैप बराबर में 3, आई को आई के साथ जे को जे के साथ के को के साथ बराबर में क्या गया 3, तो ये समीकरण इसको हम लोग मान लेंगे क्या ना 2, तो ये चल देंगे समीकरण फर्स्ट एंड किससे सेकेंड से। फर्स्ट दिया हुआ वाई प्लस जेड बराबर में माइनस 1, सेकेंड दिया हुआ वाई माइनस जेड बराबर 3, ये सेकेंड दोनों को ना जोड़ लेंगे, क्या कह लेंगे दोनों को जोड़ लेंगे, यहाँ पे लिख सकते दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा 2y कट जाएगा ये 2y, और यहाँ पे मिल जाएगा प्लस में 2, तो बाई कट जाएगा तो बाई का वैल्यू आ जाएगा 1। अब बाई का मान समीकरण इसमें फर्स्ट में रखने पर बाई का मान फर्स्ट में रख दीजिए, फर्स्ट में फर्स्ट क्या ना समीकरण फर्स्ट बाई का मान यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में जेड
बराबर में क्या माइनस वन, तो माइनस वन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में टू, जेड का वैल्यू माइनस टू आ गया, वाई का वैल्यू वन आ गया और एक्स का वैल्यू क्या आ गया ना, एक्स का वैल्यू हम लोग को एक्स का वैल्यू क्या ना प्राप्त है, एक्स का वैल्यू वन। तो ए हम लोग चल देंगे यहाँ पे, ए हो गया। अब इसको यहाँ पे लिख लेंगे वेक्टर बी, वेक्टर बी बराबर में एक्स का वाई का और जेड का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे इसको अब लिख लेंगे, इसको रख करके वेक्टर बी बराबर एक्स का वैल्यू क्या आया वन आई कैप और वाई का वैल्यू क्या आया ना वन वन जे कैप और जेड का वैल्यू क्या है ना माइनस में टू माइनस टू के का। तो वेक्टर बी बराबर आई प्लस में जे और माइनस में टू के का, ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा, दिखाइए कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इतना प्लस इतना प्लस इतना डी से स्वतंत्र है। ए करा बहुत ही सिंपल है, क्या ना लिख लेंगे वेक्टर ए माइनस में वेक्टर डी अक्रॉस में वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी और प्लस में वेक्टर बी माइनस वेक्टर डी अक्रॉस में वेक्टर सी माइनस में वेक्टर ए प्लस में वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी अक्रॉस में वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी है, ए दिया हुआ। अब इसको ना यहाँ पे क्रॉस करते हैं, अब यहाँ पे इसको क्रॉस करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी और फिर इसके साथ माइनस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी और माइनस में वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर बी और माइनस माइनस प्लस में वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर सी, ए हो गया। अब प्लस में अब बी को दोनों के साथ करेंगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी और माइनस में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए और माइनस डी को माइनस में वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर सी और प्लस में वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर ए, ए हो गया। अब प्लस में अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए और माइनस में वेक्टर सी क्रॉस में वेक्टर बी और माइनस में वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर ए और माइनस माइनस प्लस में वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर बी, ए हो गया हम लोग का क्रॉस। अब इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, कहीं और है क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है ना, तो सारे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को एक जगह लिख देंगे ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए है बी क्रॉस ए को आदि ए क्रॉस बी लिख देंगे तो निगेटिव वाला क्या बन जाएगा पॉजिटिव में, ऐसा हम लोग प्रॉपर्टी समझ चुके हैं, क्या ना समझ चुके हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है माइनस में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ऐसा है तो ऐसा लिख देंगे इतना बराबर ए लिख दी। अब और क्या है कहीं क्या क्या ना ए क्रॉस बी नहीं है। अब यहाँ पे क्या है माइनस में वेक्टर ए क्रॉस सी है, इसको माइनस को चेंज कर देंगे तो माइनस वाला क्या बन जाएगा प्लस में वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, कहीं और है क्या यहाँ पे है ना प्लस में सी क्रॉस वेक्टर ए लिख दी। फिर क्या करा वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर बी है और कहीं और है क्या वेक्टर डी क्रॉस में वेक्टर बी माइनस में प्लस में एक कट गया। फिर वेक्टर डी क्रॉस सी, वेक्टर डी क्रॉस सी कहीं है क्या ऐसी माइनस में यहाँ प्लस में एक कट गया और क्या मिल गया वेक्टर बी क्रॉस में वेक्टर सी, कहीं है क्या वेक्टर बी क्रॉस सी, कहीं वेक्टर बी क्रॉस सी है ना, इसको चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा निगेटिव वाला पॉजिटिव। तो ए अब मिल गया वेक्टर डी ए पॉजिटिव में ये निगेटिव कट गया। अब इसको लिख लीजिए ए क्या हो जाएगा टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और ये दोनों को ऐड कर लेंगे टू वेक्टर सी क्रॉस में वेक्टर ए और ये दोनों को ऐड कर लेंगे टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अब दोनों को ना कॉमन ले लेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए और प्लस में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ए हो गया आंसर। तो ए क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर ले 29। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर
30। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 का फर्स्ट देखें, क्या करा, सिद्ध करें कि वेक्टर ए प्लस में 3 वेक्टर बी अक्रॉस में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इतना बराबर 0 ए करा हम लोग को साबित करने के लिए। तो सिंपल है, एल एच एस ले लेंगे वेक्टर ए प्लस में 3 वेक्टर बी और क्रॉस में वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी, अब प्लस में क्या आना 3 वेक्टर ए माइनस में 5 वेक्टर बी और क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ए दिया हुआ। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ए क्रॉस में ए, ए को इसके साथ कर दिए, फिर ए को इसके साथ करेंगे वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी, वेक्टर बी 3 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ए इसके साथ हो गया प्लस में 3 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी और ए साथ हो गया। अब प्लस में अब इसके साथ करेंगे 3 वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर ए और माइनस में 3 वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी और माइनस में हो जाएगा 5 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए और प्लस में 5 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी ए हो गया। अब इसको ना सेम, ये फार्मूला बताया गया था सेम के साथ क्रॉस कर देते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है 0, ए क्रॉस ए 0 मिलेगा और यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी है, ये ना बी क्रॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं माइनस में 3 वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी। यदि बी क्रॉस ए है तो ए क्रॉस बी लिखेंगे तो पॉजिटिव वाला क्या बन जाएगा नेगेटिव में प्लस में 3, सेम के साथ है क्रॉस 0 प्लस में, सेम के साथ है क्रॉस क्या हो जाएगा 0 और ए माइनस में 3 वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी, राइट है। अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या ना, यहाँ पे माइनस में क्या ना, यहाँ पे 5 है और इसको यदि बी क्रॉस ए है तो ए क्रॉस बी लिखेंगे तो प्लस में हो जाएगा ए क्रॉस में बी और प्लस में 5, सेम क्रॉस है तो वैल्यू क्या मिल जाएगा 0 ए हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दे ए क्रॉस बी और 5 ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा 6 ए क्रॉस में बी, 6 ए क्रॉस बी और माइनस में 3 ए क्रॉस बी और माइनस में 3 ए क्रॉस बी तो क्या हो जाएगा 6 ए क्रॉस में बी ए आ गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव घटकर क्या मिल जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0 ए हो गया। तो एल एच एस बराबर क्या मिल गया आर एच एस। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग कंप्लीट कर ले। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप लोग 32 कंप्लीट कर लेंगे, केवल क्या करना मल्टीप्लीकेशन कर लेना और जो मल्टीप्लीकेशन करके आएगा वही हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 कंप्लीट कर ले। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 31 क्या करना, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी शून्योत्तर सदिश है, यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी तथा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी तो दिखाए कि वेक्टर ए बराबर क्या है ना वेक्टर सी के, ए करा दिखाने के लिए। तो बहुत ही आसान है, सॉल्यूशन हम लोग लिख लेंगे क्या दिया हुआ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी और फिर दिया हुआ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी ए दिया हुआ। तो यहाँ पे ना इतना बराबर दिखाना वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, तो इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे ना वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी, टर्म इधर ले आएंगे माइनस में हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी बराबर में 0, ये दोनों में कॉमन दिख रहा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये वितरण नियम का पालन कर रहे हैं यहाँ पे क्या ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा वेक्टर बी और माइनस में वेक्टर सी इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। तो दो वेक्टर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 कब कब होता है, जब वेक्टर ए बराबर 0 हो या वेक्टर बी बराबर 0 हो या वेक्टर ए पैरेलल है किसके वेक्टर बी के, ये हम लोग फर्स्ट लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज में पढ़े थे। एक ही वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 रहता है
तो तीन संभावना देता है, वेक्टर ए बराबर जीरो या वेक्टर बी बराबर जीरो या वेक्टर ए पैरेलल है किसके, वेक्टर बी के। तो इस समझे ए, इस पूरा को समझे क्या ना बी, इससे मैच कर जाएगा। तो वेक्टर ए बराबर जीरो हो सकता है या वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी बराबर जीरो हो सकता है या पैरेलल हो सकता है। इसको छोड़ देंगे तो वेक्टर ए बराबर क्या आ गया, वेक्टर सी, ए हो गया प्रूव्ड। अब यहाँ पे ध्यान देंगे ए क्या कर रहा है ना, यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इस टर्म किधर ले आएंगे, माइनस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर में जीरो, और एक कॉमन ले लेंगे इसमें वेक्टर ए, तो वेक्टर बी माइनस में वेक्टर सी बराबर में जीरो, ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे वेक्टर ए, ए भी कंडीशन बताया गया था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जीरो, कब कब होता है, जब वेक्टर ए बराबर जीरो, वेक्टर बी बराबर जीरो या वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो वेक्टर बी के। यहाँ जब वेक्टर ए बराबर जीरो हो सकता है तब जीरो होगा दोनों का डॉट, या बी जीरो होगा तब भी हो सकता है जीरो, या दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तब भी होगा जीरो, एक डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज में समझाया गया था। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते वेक्टर ए इक्वल टू जीरो या वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी बराबर, तीसरा कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे, वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर सी, ए प्रूव्ड हो गया। यही तो करा था दिखाने के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर ले क्या 31। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें क्या करा ना, इतना बराबर ए दिखाने करा, इतना बराबर इसका मान करा, मान ज्ञात करें इसका मान ज्ञात करें ए मॉड का। तो पहले क्या ना इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ए मॉड को रहने दीजिए आई क्रॉस आई, तो आई क्रॉस आई, फिर इसको इसके साथ करेंगे आई क्रॉस में जे टू जे, तो ये हो जाएगा आई क्रॉस टू जे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू आई क्रॉस जे, फिर इसको इसके साथ आई क्रॉस में के, फिर जे को अब करेंगे प्लस में जे क्रॉस में आई जे क्रॉस 2 इंटू जे क्रॉस जे, और फिर हो जाएगा जे क्रॉस में के मॉड। इस सभी का क्या ना आई को इसके साथ और जे को इसके साथ एक क्रॉस कह लें। अब हम लोग को यहाँ पे ध्यान देंगे ए सर्कुलर फॉर्म, ए आई और ए जे और ए क्या हो गया के, यदि क्लॉक बाई डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन तो निगेटिव होगा। तो यहाँ पे ना सेम के साथ क्रॉस कर दे जीरो प्लस में टू आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे तो क्या रिजल्ट मिलेगा के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्लॉक बाइज में है, क्लॉक बाइज में है तो क्या ना निगेटिव में रिजल्ट देगा। तो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के मतलब क्या ना माइनस में जे, माइनस में जे क्या, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई मतलब आपका इस डायरेक्शन में निगेटिव में, तो माइनस में के क्या, सेम के साथ क्रॉस जीरो और प्लस में जे क्रॉस के, जे क्रॉस के पॉजिटिव है तो क्या मिलेगा आई का, ए हो गया। ये हम लोग समझ गए क्या ना, ए लिख ले। अब यहाँ पे ध्यान देंगे ए आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा इसको ना 2k कैप और माइनस में जे कैप, माइनस में के कैप और प्लस में आई कैप, ए हो गया। अब इसको लिख लेंगे आई कैप और आई कैप और माइनस में जे कैप और प्लस में के कैप। अब इसका मॉड निकालेंगे, 1 का 1 हो जाएगा, माइनस 1 का 1 प्लस 1 का 1, तो ए मिल गया 3, ए हो गया आंसर। तो इसका क्रॉस हम लोग फाइंड करें, सेम इसका हम लोग क्रॉस फाइंड करेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया। अब ध्यान दे इसका क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते, इसका क्रॉस 3 × 6 आई क्रॉस आई, फिर इसके साथ माइनस में 3 आई क्रॉस में जे, और इसको इसके साथ हो गया। अब प्लस में 2j क्रॉस में जे, फिर इसके साथ माइनस में जे क्रॉस में जे,
अब इसको लिख लेंगे यहाँ पर क्या ना, सिक्स सेम के साथ क्रॉस है जीरो, थ्री आई क्रॉस जे मतलब क्या मिलेगा के, सेम के साथ क्रॉस है जीरो, जे क्रॉस जे सेम के साथ जीरो, ए मिल गया यहाँ पे जीरो, तो माइनस में थ्री के ये तो जीरो साथ, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा अंडर रूट नौ, तो नौ का थ्री ए हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग कंप्लीट करें, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 33 है आप लोग खुद से बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 44 समझाते, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 44, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 34 ये क्या करना, बहुत ही सिंपल है, ए करा इसको ना इतना बराबर के ए सीध कीजिए, तो एल एच एस में चल दीजिए, इसको गुना डायरेक्ट कर देंगे टू आई क्रॉस में आई, फिर इसके साथ फोर आई क्रॉस में जे ए कर दिए, फिर थ्री को करेंगे प्लस में थ्री जे क्रॉस में आई, फिर इसके साथ तीन दोना छः जे क्रॉस में जे ए हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे सेम के साथ क्रॉस जीरो और फोर, फोर आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या मिलेगा कि क्लॉक बाय डायरेक्शन में एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन में, और ए आपका यहाँ पे प्लस जे क्रॉस आई और क्लॉक बाय डायरेक्शन में जे क्रॉस में आई, जे क्रॉस में आई तो क्लॉक बाय डायरेक्शन में, तो माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा के, जे क्रॉस आई बराबर क्या होता है माइनस के, अब प्लस में सिक्स सेम के साथ क्रॉस वैल्यू जीरो, तो क्या ना फोर फोर के कैप और माइनस में थ्री के कैप, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा के कैप, ये हो गया आंसर। ये आ गया आपका प्रूफ, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 34। अब हम लोग ये एक्सरसाइज आपका क्या हुआ क्रॉस प्रोडक्ट ना, क्रॉस प्रोडक्ट आपका समाप्त हुआ 27.1। अब हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में 27.2 में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, आज की क्लास इतना ही।